सुहागरात के अगले दिन दुल्हन ने जन्मी बच्ची विदाई के समय पेट फूलने की बताई थी ये वजह। ग्रेटर नोएडा से अजीबोगरीब मामला सामने आया है। वहां सोमवार को एक शख्स की शादी हुई थी। इसके बाद सुहागरात में दुल्हन के पेट में अचानक से दर्द होने लगा तो ससुराल वालों ने उसका चेकअप कराया। यहां पता चला कि वो 7 महीने की प्रेग्नेंट है। इसके बाद लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। इतना ही नहीं, इसके अगले दिन दुल्हन ने 7 महीने की बच्ची को भी जन्म दिया। दरअसल बीते सोमवार ग्रेटर नोएडा के थाना दनकोर क्षेत्र के एक गाँव में रहने वाले शख्स की शादी सिकंदराबाद की युवती से हुई थी। दुल्हन विदा होकर ससुराल पहुंची। इसके बाद सुहागरात में अचानक उसके पेट में तेजी से दर्द होने लगा। इस पर घरवाले घबरा गए और अनफन में उसे दनकोर स्थित एक निजी अस्पताल में लेकर भर्ती करवाया। लड़की के परिजनों ने बताई ये बात और छिपाई ये बात। सूचना पर पहुंचे परिजन बेटी और मासूम बच्ची को अपने साथ ले गए। हालांकि इस मामले में अभी तक लड़के पक्ष की ओर से पुलिस में कोई शिकायत नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि लड़की के परिजनों ने ये बात लड़के वालों से छिपाई थी। यहां डॉक्टर ने उनका चेकअप किया। इस दौरान पता चला कि वो 7 महीने की प्रेग्नेंट है। ये सुनकर ससुराल वालों के होश उड़ गए। वहीं इसके अगले दिन उसने बच्ची को भी जन्म दिया। इसके बाद लड़के पक्ष के लोगों ने वधु पक्ष को सूचना दी और दुल्हन को रखने से मना कर दिया। ये बात भी पता चली कि लड़के पक्ष के लोगों को बताया गया था कि कुछ समय पहले लड़की का पथरी का ऑपरेशन हुआ था। इसकी वजह से उसका पेट हल्का सा फूला हुआ है। मामले में दनकोर थाना प्रभारी अजय सिंह ने बताया कि पुलिस को इस तरीके की सूचना मिली है मगर कोई शिकायत नहीं हुई है। लड़के पक्ष के लोग अपनी बेटी को साथ लेकर घर चले गए हैं।